तो हे गाइस, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। आप सभी कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ। नया दिन नया ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है जस्ट मॉर्निंग से, मॉर्निंग के जस्ट बजे, वो भी 8:20। और आज का ब्लॉग हो रहा मॉर्निंग से शुरू। तो बाकी आज काफ़ी मस्त धूप लगी है, तो धीरे धीरे अब गर्मी का एहसास होना शुरू हो चुका है पहाड़ों में। तो इतना ज़्यादा तो नहीं है, सुबह शाम तब भी ठंड है थोड़ी थोड़ी, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मौसम में है वो चेंजिंग आनी शुरू हो रही है। बाकी अभी जस्ट मैं हूँ किचन में, और आज होता फास्ट, तो मैं थोड़े दिन के लिए थोड़ा आलू बॉयल कर रहा हूँ। और वापसी में अगर ऐसे करना तो नहीं, खाना तो कुछ नहीं चाहिए, पर अगर क्योंकि हम काम करते हैं उस वजह से दिन को थोड़ा सा ले लेता हूँ मैं, जिसको पुलाव कहते हैं आलू का, वो बनाएंगे। अभी तो सिर्फ मैं बॉयल कर जाऊँगा, बाकी बाद में देखेंगे क्या बनता है और क्या नहीं। और बाकी आज सोमवार को सबको महादेव, और आजकल काफ़ी व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, उसकी क्या वजह है वो मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते कि आपको क्या लग रहा है, ब्लॉग अच्छे नहीं लग रहे, उसका आप रिव्यू तो दो, कुछ तो बताओ मुझे, कुछ तो आभास कराओ। कोई आपकी गलतियाँ नहीं पकड़ेगा तो मैं कैसे उनको ठीक कर पाऊँगा? तो आप लोग थोड़ा सा मुझे गाइडेंस करें कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और आपके ब्लॉग अच्छे होंगे। तो मुझे अभी इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग है तो इतना पता भी नहीं है। अभी इस साल से ही थोड़ा मेरा कंटिन्यू ब्लॉग चल रहे हैं, तो आपको बताइए। ऐसे तो मैंने चैनल को 2021-22 में स्टार्ट कर दिया था, तो बाकी बीच में तो आपको पता ही है हम वीक हो जाते हैं, जब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता या कुछ नहीं होता, वो बंदा वीक हो जाता है, उस वजह से वो बीच में छोड़ देता। वही मेरा हिसाब था, मैं बीच में वीक हो जाता था और छोड़ रहा हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन भर, रात भर, सारा जितना भी मुझसे टाइम लगता है। तो एक ब्लॉग बनाने के पीछे सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट ही है, तो इसके पीछे पूरा दिन लगता है, और एडिटिंग करने के लिए 2 से 2.5 घंटे लगते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ इतनी बड़ी सुविधा तो है नहीं जिसमें हम कर सकें। और फ़ोन में तो टाइम लगता है, छोटी छोटी चीज़ों को सुधारने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। तो बाकी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी चलेंगे बाहर और देखेंगे इस तरह से आज का नज़ारा। तो बाकी अभी जस्ट इसको कर लेता हूँ बंद, उसके बाद चलते हैं बाहर। ये जो तुम्हें लग रहा है ना कि भगवान बहुत दुख दे रहे हैं हमें, तो वो दुख नहीं दे रहे, वो तुम्हें उन चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए सोच रखी है। तो गाइस जस्ट कुछ इस तरह से आलू को मैंने काट लिया है और फ्राई में बनाएंगे। अभी तेल डालेंगे, अभी थोड़ी गर्म हो रही है, तो गाइस अपना तेल रेडी हो गया है। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, इनको फिर गर्म होने देंगे। तो मिर्च होगी रेडी, तो डालते हैं अपने आलू। थोड़ी सी हल्दी डाल दी हमने, और बाकी देख सकते हैं आप अपने आलू रेडी है। और तो गाइस मेरे आलू हो चुके हैं रेडी, और बस इस तरह की छोटा सा कॉली में आलू, बस यही होता है मेरे दिन को, क्योंकि वो भी उस वजह से कि काम करने जाना पड़ता है, उस वजह से बनाता हूँ। बाकी ऐसे जब कहीं नहीं जाता हूँ तो तब नहीं बनाता मैं। तो गाइस इवनिंग में ऐसा रहता है यहाँ पे व्यू, और देख सकते हैं आप कुछ इस तरह का नज़ारा है। आज काफ़ी मस्त नज़ारा है, मैं जा रहा हूँ भोलेनाथ जी के टेम्पल में, और बाकी आपने व्यू तो देख ही लिया यहाँ पे किस तरह का नज़ारा है। अभी काफ़ी मस्त व्यू रहता है शाम के समय, तो नज़ारा तो जस्ट आपने देख ही लिया किस तरह से यहाँ पे काफ़ी मस्त रहता है। तो गाइस यहाँ से जस्ट लोकेशन देख सकते हैं आप,
तो गाइस शाम के बज रहे अभी 10:20 और जस्ट मैं अभी डिनर वगैरह करके फ्री हुआ हूँ। तो देखा ही आपने पहाड़ों में आजकल किस तरह से व्यू काफी मस्त रहता है, व्यू और काफी मस्त नजारा है। तो दिन को थोड़ी गर्मी का एहसास है, लेकिन शाम के टाइम आप जैकेट देख ही रहे हो, जैकेट पहननी पड़ती है, ठंड रहती है शाम के समय पहाड़ों पर। तो बाकी ऐसे था आज का ब्लॉग, और आज गाइस करोड़पति बनते बनते रह गया, ड्रीम इलेवन में लग ही गया था, लेकिन थोड़े एक दो बंदों ने मरा दिया उस वजह से। बाकी ऐसे तो भाई साहब हो ही गया था चक सेट काम। तो बाकी यार ड्रीम इलेवन में बहुत मुश्किल है जीतना, इतने करोड़ों बंदों को पीछे करना, और मैं 12,000 कुछ नंबर पे था। ऐसे में थोड़े देर पहले उससे स्टार्टिंग में मैं 2,000 में आ गया था जब सेकेंड इनिंग चली थी। तो उसके बाद मैं थोड़ा एक दो प्लेयरों की वजह से सीधा 12,000 में पहुंच गया, लेकिन आज बन ही गया था काम, लेकिन क्या करें। बाकी आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ज़्यादा लंबा ना करते हुए फिर करते ही एंड। और जो नए जुड़े प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करो यार, करते क्यों नहीं आप, और बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और लाइक और कमेंट तो आपसे होता नहीं यार, कर दो यार, कुछ नहीं जाता आपका, लाइक करो और कमेंट करो आप कहाँ से ब्लॉग देख रहे हैं। बाकी मिलेंगे इसी बार नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करे। तो मिलते हैं इसी बार नेक्स्ट ब्लॉग में, हर हर महादेव एंड बाय।